बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका क्या कंसेप्ट होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है, पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड सो ऑन। स्टार्ट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा, जैसा शब्द से भी जाहिर है, डिस्ट्रक्टिव यानी कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो ये इंटरफेरेंस किस तरह का है, जिसमें कि अगर दो वेव्स के लिए समझना आसान होता है, दो वेव्स किसी मीडियम से गुजर रही हों और दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करें, काउंटर काम करें, यानी एक कह रही है पार्टिकल को ऊपर चलने को तो दूसरा कह रही है पार्टिकल को नीचे चलने को, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक वेव है, अपने पास ऐसे मान लेते हैं एम्पलीट्यूड सेम है, ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है और ये आकर के किसी ऐसे वेव से मिल जाए या कोई दूसरी वेव आकर उसमें मिले जो कि इसकी ठीक अपोजिट चल रही है, यानी जब ये पार्टिकल को कह रही है ऊपर चलने को तो नीचे वाली वेव, दूसरी वेव पार्टिकल को नीचे खींच रही है, और इसी तरह से जब पहले वाली वेव पार्टिकल को नीचे खींच रही है तो ये ऊपर खींच रही है। अगर हम कुछ देर के लिए ये मान लें कि इनके एम्पलीट्यूड सेम है, तो इस कंडीशन में अगर ये वेव किसी स्ट्रिंग से गुजर रही हो तो ये स्ट्रिंग बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाएगी, यानी ऐसा लगेगा कि कोई वेव कहीं से गुजर ही नहीं रही, पूरी वेव से दूसरे को समाप्त कर दे रही है। तो ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या है, जो क्रेस्ट है वो ट्रफ से मिलता है, सिमिलरली इसका ट्रफ इसके क्रेस्ट से मिलता है, यानी जैसे कंस्ट्रक्टिव में होता है कि क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ जाएगा, ट्रफ ट्रफ के साथ जाएगा, तो डिस्ट्रक्टिव में इसका उल्टा होता है, क्रेस्ट ट्रफ के साथ एक का, इसी तरह से दूसरे का ट्रफ पहले के क्रेस्ट के साथ में, एंड सो ऑन। अब इस बात को बट आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो ये कोई वेव ऐसे चल रही है, जैसे ये वेव सपोज ये पहले वाली जो वेव है ये ऐसे चले जा रही है आगे, क्रेस्ट ट्रफ बनाते हुए, तब से दूसरी वेव आई, तो दूसरी वेव आई तो वो कुछ ऐसे आई। अब ये आपको बस सोचना है कि डिस्ट्रक्टिव कंडीशन कैसे एस्टेब्लिश होगी, जब एक का क्रैश दूसरे के ट्रफ से टकरा है, यही ना, ये कब हो सकता है, जब इनकी हाफ साइकिल्स आपस में टकरा रही हो। थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। हाफ साइकिल का मतलब भाई, एक का क्रैश दूसरे के ट्रफ से टकरा है, ये तभी संभव होगा जब इसकी हाफ साइकिल निकल गई हो और तब दूसरे तरफ से ये वेव आ जाए, यानी आप ये कह सकते हो कि जब इसकी हाफ साइकिल निकली मान लो ऊपर वाले की, तब से ये वेव आ गई, तो इनमें फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। कंस्ट्रक्टिव में एक कंप्लीट वेव का इंटीग्रल मल्टीपल चलता है, यानी लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल चलता है, या कह लो 2π का इंटीग्रल मल्टीपल चलता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पाई का, या कह लें लैम्डा बाई 2, अगर हम फेस की लैंग्वेज में कहें तो पाई, अगर हम डिस्टेंस की लैंग्वेज में कहें तो लैम्डा बाई 2, इनका आपस में रिलेशन चलता है, तो इन्हीं का इंटीग्रल मल्टीपल होता चला जाएगा। तो अगर ये बात हमें समझ में आ जाए कि कस्टफ के साथ मिल रहा है, तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। फेस डिफरेंस कितने का बेटा, 2n प्लस 1 पाई, अगेन n की वैल्यू हम लोग जीरो से ले रहे हैं, n की वैल्यू जीरो से ले रहे हैं, 2n प्लस 1 पाई। आप n की वैल्यू बेटा जब जीरो लोगे तो ये पाई हो जाएगा, 1 लोगे 3π, 5π, मतलब आप इस बात को ऐसे समझो कि एक का क्रैश दूसरे के ट्रफ से टकराना है, इसका मतलब हाफ साइकिल हमेशा रिलेट होगी, इसका मतलब पाई रिलेट होगा। अब अगर ये एक बार आपको समझ में आ जाए तो जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो बड़ा आसान हो जाएगा, फाई इक्वल टू 2π बाई लैम्डा डेल्टा एक्स वाला, बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे, 2n प्लस 1 पाई इक्वल टू 2π बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, तो आपके पास में जो पार्ट डिफरेंस है उसकी रिलेशन आ जाएगी, उसको चलो ऐसे लिख लेते हैं, बेटा डेल्टा एक्स को, बल्कि डेल्टा एक्स ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, डेल्टा एक्स, इसको अब आप खुद भी रिलेट कर सकते हो, कैसे बेटा, इसको ऊपर ले जाओ लैम्डा को, तो लैम्डा इनटू एन प्लस वन, 1/2, ठीक है बेटा, लैम्डा को ऊपर ले गए तो ये हो गया, यस, एन प्लस हाफ लैम्डा। अब इसमें फिर वही बात है, जो एन है उसकी वैल्यू जीरो से चल रही है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, है ना। तो जब आपने n की वैल्यू जीरो लिया तो ये लैम्डा बाई 2 हो गया, इसका मतलब ये हाफ वेवलेंथ, तो ये हाफ वेवलेंथ के मल्टीपल में चलेगा,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, लेकिन हाँ बेटा उसमें कंस्ट्रक्टिव वाले से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि उसमें इवन मल्टीपल चल रहे थे, मतलब वो 2π के मल्टीपल चल रहा था। बल्कि आप ऐसे ध्यान रखो कि कंस्ट्रक्टिव के लिए 2π के मल्टीपल और यहाँ पाई का मल्टीपल, वहाँ लैम्डा का मल्टीपल या लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल। हाँ, इसके मल्टीपल में इस बात का ध्यान देना आप कि वो लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल में कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन भी आएगी तो उसको कंसिडर नहीं करना है। इसको भी उसी एग्जाम्पल से करते हैं जिससे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव वाले को देखा था। अगर इन केस बेटा आपने उसको न देखा हो तो वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला जो लेक्चर है उसको आप देख लेना, उसमें मिल जाएगा। वही डाटा लेते हैं, वही केस लेते हैं। सपोज हमारे पास ये दो सोर्सेज हैं S1 और S2। सेम कंसेप्ट लेते हैं, यहाँ पे कोई डिटेक्टर है पॉइंट P और ये 8 मीटर है, इन दोनों के बीच का गैप 6 मीटर है। बिल्कुल वही एग्जांपल ले रहे हैं जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव वाले को समझने के लिए लिया था। तो जो वेव यहाँ से जाएगी वो सीधे 8 मीटर चलते हुए जाएगी, जो S2 से जाएगी उसको 10 मीटर चलना पड़ेगा। अब अगर हमें इनके वेवलेंथ को आपस में रिलेट करना पड़े तो इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स है बेटा, वो तो वही है 10 - 8, दैट इज 2। अब इस 2 को आप बराबर कर दो लैम्डा एन प्लस 1/2। तो अब आप इसमें अगर एन की वैल्यू बैठाते चले जाओ तो आपको कई वेवलेंथ पॉसिबल मिल जाएंगे। जैसे अगर आप एन की वैल्यू को 0 ले लो तो लैम्डा कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू को 0 ले लो तो ये हो गया 2 - 1/2, दैट इज 3/2 लैम्डा, 3/2 मीटर। एक गलती हो रही है बेटा, नहीं, यहाँ करेक्शन चाहिए। एन की वैल्यू को अगर आपने 0 ले लिया, बल्कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, लैम्डा इज कॉल टू 2 n + 1/2, ऐसे फॉर्मूला मिल गया अपने को। तो जब n की वैल्यू 0 बैठा दिया तो आपको लैम्डा मिल गया कितना, 4। अब इस बात को ऐसे समझ भी सकते हैं हम लोग कि 2 मीटर का गैप था, पार्ट डिफरेंस था, तो 4 मीटर अगर वेवलेंथ है तो यस लैम्डा बाई 2 का टर्म आ रहा है, एंड सो ऑन। अब इसी में आप और वैल्यूज भी निकाल सकते हो। चलो एक और निकाल लेते हैं, n की वैल्यू अगर 1 है तो बोलो लैम्डा कितना हो जाएगा। बेटा यहाँ पे ले आओ बल्कि इसको, तो ये 1 अगर है तो ये आ गया कितना, 2 × 1 = 2, 3/2 = 4, ये 4 ऊपर चला गया तो 4/3। एन की वैल्यू 1 पुट कर लो तो 2 × 3/2 = 3/2 = 4/3 मीटर, ये हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप अब कोई भी और वैल्यू को आप रख करके निकाल सकते हो, आप ये देख सकते हो इसके बहुत सारे आंसर्स आएंगे और उन सभी के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बनेगी। ठीक है बेटा, इसके कंस्ट्रक्टिव वाले को आप चेक कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे यही नहीं बहुत सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी लोड हैं और उसमें लोड हो भी रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स को अपने और स्ट्रॉन्ग करो, फिजिक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे फ्री में टेस्ट और जो कोर्सेज अवेलेबल हैं चैप्टर वाइज उनको ज़रूर आप एक बार चेक करो, वो आपकी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। केस स्टडी।